हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। NIT हमीरपुर में विंटर वेकेशन शुरू हो गया है। इस कारण बहुत सारे लड़के अभी 15 से 20 दिन के लिए घर निकल जाते हैं, लेकिन इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे भी हमारे स्टूडेंट थे जो ड्यूल डिग्री फाइनल सुपर फाइनल ईयर और BR सुपर फाइनल ईयर के जो इंटर्नशिप के लिए और निकल जाते हैं एक पूरा सेमेस्टर के लिए, लगभग वो लोग भी यहाँ से कम्प्लीटली निकल चुके हैं और सिर्फ प्रोजेक्ट वर्क के लिए वापस हमीरपुर पहुँचते हैं, वो भी मई और जून के आसपास। तो लगभग वो लोग यहाँ से निकल चुके हैं और उनका हॉस्टल लाइफ सेलिब्रेशन और उनका जो भी फाइनल हॉस्टल में रहने का जो भी एकोमोडेशन था वो कम्प्लीट हो चुका है। इसके साथ साथ ही आज NIT हमीरपुर में ऑल इंडिया NIT फैकल्टी स्पोर्ट्स मीट होने जा रही है, जो कि SEC में, जिसका 10 बजे हमारे NIT हमीरपुर के जो निदेशक है, डायरेक्टर सर है, वो करेंगे इसका इनॉग्रेशन, उद्घाटन। और इसके बाद ये 3-4 दिन बैडमिंटन, टेबल टेनिस और स्नूकर, इस तरह की चीज़ें के टूर्नामेंट यहाँ पे होंगे। ऑल इंडिया NIT से जो भी फैकल्टी आए हुए हैं उनका हम स्वागत करते हैं और जमाल्टा जी के सानिध्य में ये सारा चीज़ जो स्पोर्ट्स का ये मीट होगी और फाइनल डे जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होगा, आप सभी लोग जो भी यहाँ रुके हैं आप मैचों का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर बैडमिंटन के, टेबल टेनिस के यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, मैच देखने को मिलेंगे। तो NIT हमीरपुर के लिए बहुत बड़ी बात है कि इस तरह की जो चीज़ें हैं यहाँ हो रही है, क्योंकि अभी तक यहाँ से स्पोर्ट्स मीट के लिए स्टूडेंट भी बाहर निकलते हैं, किसी दूसरे कॉलेज में जाते हैं, जैसे अभी IIT मंडी गए थे या जयपुर गए थे, तो अब शुरुआत यहाँ पे NIT हमीरपुर में भी हो गई है। ये विध्यांचल हॉस्टल जो फाइनल ईयर के लिए है, सुबह का मज़ा देखिए कितना एकदम शांत, और क्योंकि अक्सर स्टूडेंट जो है लेट सोते हैं तो जगते भी थोड़ा लेट ही है, इस कारण से सुबह एक ठंड भी है तो मॉर्निंग रूटीन शायद नहीं बन पा रहा होगा। और एग्ज़ाम भी अभी ख़त्म हुए हैं तो काफ़ी सारे बच्चे तो चले गए, सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट ईयर रुका हुआ है और PhD और UG के स्टूडेंट यहाँ पे रहे हैं, बाकी मैक्सिमम जो भी स्टूडेंट है वो घरों के लिए निकल गए हैं। विंटर वेकेशन है और ये NIT हमीरपुर की सबसे पसंदीदा जगह है, 4H फूड कोर्ट, जहाँ पे अक्सर जो है यहाँ के एम्प्लॉयज़, यहाँ के विजिटर्स यहाँ पहुँच के चाय का आनंद लेते हैं, जलपान ग्रहण करते हैं, खाना भी यहाँ मिलता है, चाय वगैरह। ये देखिए 4H फूड कोर्ट, आपको अंदर से मैं दिखाऊंगा, डेली यहाँ पे कुछ ना कुछ मिलता है। अभी ये सामने मेन्यू भी लगा हुआ है। आप यहाँ पे आओ और यहाँ के खाने का आनंद लो, बहुत ही सस्ते दाम पे यहाँ पे चीज़ें मिलती है, पराठा यहाँ का बहुत फेमस है। अरे देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था कि जो NIT फैकल्टी स्पोर्ट्स मीट है, ऑल इंडिया NIT फैकल्टी स्पोर्ट्स मीट है, उसके लिए जो रिफ्रेशमेंट की पैकिंग भी यहीं पर हो रही है, 4H फूड कोर्ट के माध्यम से ही ये रिफ्रेशमेंट दिया जाएगा। और 9:30-10 बजे के लिए का देने का इनका ऑर्डर है, तो लगभग 10 बजे के आसपास ये प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन रहती है वो आप तक पहुंच सके।